सो गाइस, अगर आप लोगों में से किसी को नहीं पता तो भाई मेरे पास है एंजेलिक पेंट, और ये मत पूछना कि ये कहाँ से आई। चलो मैं आप लोगों को बता ही देता हूँ, ये एंजेलिक पेंट मेरे दोस्त ने मेरे को गिफ्ट की है। एंड गाइस, आप लोगों को इस बात का भी पता होगा भाई, जिस बंदे के पास एंजेलिक पेंट होती है बहुत से बंदे उसको बहुत ज्यादा प्रो मानते हैं। आप लोगों को पता होगा एंजेलिक पेंट का यूज बहुत से लेजेंड प्लेयर करते हैं। मान लीजिए वो आपका रॉक हो, मान लीजिए वो आप लोगों का विंसेंजो हो, चाहे वो M8N हो, और बहुत से बड़े बड़े लेजेंड्स इस चीज का यूज करते हैं। और गाइस, हम में से बहुत से बंदे ये सोचते हैं कि काश हमारे पास भी एक एंजेलिक पेंट हो, क्योंकि अगर हम इससे किसी के ग्रुप में जाएंगे तो भाई उसका रिएक्शन बहुत ज्यादा ओपी रहने वाला है। और गाइस, चलिए आज मैं आप लोगों को कुछ बंदों का रिएक्शन दिखाऊंगा। मैं किसी के भी रैंडम ग्रुप में जाऊंगा और देखते हैं भाई उस बंदे का क्या रिएक्शन होने वाला है। हेलो भाई, हेलो भाई, बिग फैन भाई। मैं भी भाई बिग फैन, बिग फैन भाई। यार ये पेंट कहाँ से लिया? यार ये पेंट कहाँ से लिया आपने भाई? बिग फैन, बिग फैन भाई। भाई भाई ये पेंट यार कस्टम लगाओ कस्टम भाई। ब्रो बिग फैन यार भाई, बिग फैन भाई। रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करो भाई, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लो भाई। भाई रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लो भाई, प्लीज भाई रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लो भाई। क्यों भाई, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लो भाई। भाई इतनी अच्छी पेंट यार भाई, मुझे भी चाहिए भाई। यार कस्टम लगा लो अभी, मजा आएगा ना भिड़ो ना। ओ भाई यार ये नूब है, वैसे ही है ये पेंट पुंट लेके आ गया, लेवल 35 है इसका, कुछ भी नहीं है ये। अबे ऐसी नूब है, नूब कस्टम बना नूबड़े। गाइज मैं मानता हूँ कि इस आईडी का लेवल 35 है, लेकिन भाई ये बंदे मेरे को बिल्कुल नू मान रहे थे। चलो मैंने बोल दिया कि भाई तुम कस्टम बना लो, चलो देख लेते हैं भाई कौन कितने पानी में है। एंड गाइज मैं अभी कस्टम में आप लोगों को सीधे लेकर चलता हूँ, उनको कस्टम बनाकर लेके आ जाने दो। और गाइज अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देखते हो तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आप लोगों को एंजेलिक पेंट कैसे लेना है। और मेरा एक और शर्त है, इस वीडियो के ऊपर आप लोगों को 10,000 लाइक्स कंप्लीट करने हैं, और आप लोगों को इस वीडियो को आगे 10 बंदों को शेयर करना है। तो गाइज यहाँ पे हो चुका है कस्टम स्टार्ट, और हमने ले लिया एक डेजर्ट ईगल। देखते हैं गाइज हम लोग इनको मार पाएंगे कि नहीं। एंड गाइज इस पेंट को पहन के भाई मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, मेरे को ऐसा लग रहा है कि भाई मैं रॉक FF हूँ। और गाइज वन टैप भी ऐसे ऐसे मारूंगा मैं। गाइज उन वन टैप को देखकर आप लोग ये बोलोगे कि भाई तू तो सच में रॉक FF बन गया। चलो गाइज देख लेते हैं अभी हम इनको मार पाएंगे कि नहीं। गाइज आगे दो बंदे हैं और मैं अभी अकेला हूँ इधर की साइड पे। और गाइज लिटरली मेरे को ऐसा लग रहा था कि ये बंदे मेरे को बिल्कुल हल्के में ले रहे हैं, मेरे को लगता है मेरे को इनको इनकी औकात दिखानी पड़ेगी। और गाइज जब इनको हेडशॉट लगेगा देखो आवाज कैसे निकल के आएगी। गाइज आप लोगों ने देखा होगा भाई उनको कितने ओपी वाले वन टैप लगे हैं। एंड गाइज मेरे को लग रहा है कि अभी वो बंदे थोड़ा सीरियस रहकर खेलेंगे, क्योंकि उन्होंने सोचा कि सामने एक बंदा है तो हम इसके ऊपर रश कर देते हैं। और गाइज उन्होंने ये गलती कर दी कि भाई उन्होंने रॉक FF के ऊपर हमला किया। भाई सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। एंड गाइज पिछला राउंड हम जीत चुके हैं, एंड चलते हैं अभी अपने अगले राउंड की तरफ, जो कि हमारा होने वाला है तीसरा राउंड। गाइज यहाँ पे देख सकते हो अभी सामने हमारे दो ही बंदे हैं, वो ही के वो। गाइज इन बंदों ने अभी थोड़ी सी मूवमेंट दिखाना स्टार्ट कर दी, मेरे को लगता है ये मेरी बातों को दिल पर ले गए, क्योंकि गाइज अभी तक मैं इनको बहुत बुरी तरह से मारता रहा, और मुझे लगता है ये अब मेरी मारेंगे। सॉरी सॉरी सॉरी। गाइस सामने वालों को भी गुस्सा आ चुका है, और वो भी मेरी तरह मूवमेंट दिखा रहे हैं। गाइस देख सकते हो आप कितना अच्छा भी खेलने स्टार्ट कर दिया इन्होंने। और गाइस मेरे को लगता है कि अब मेरे बचने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। भाई की इज्जत डुबा दी मैंने। से जो टूटे कोई सपना जग सुना।
और गाइस आप लोगों को बता दूं मैंने इस वीडियो की फालतू क्लिप्स को कट कर दिया है जिससे आप लोगों को देखने में बोर ना लगे। एंड गाइस मैं आप लोगों को बता दूं मैं जीत चुका हूं यहां पे 4 राउंड एंड वो बंदे जीत चुके हैं यहां पे 3 राउंड। अभी देखने की बात यहां पे होगी कि मैं 5वां राउंड जीत पाता हूं कि नहीं। गाइस यहां पे हमने कर दिया वन टैप के साथ एक बंदे को डाउन एंड अभी हमको देखना है इसका दूसरा बंदा की कहां पे है। ये रहा इसका दूसरा बंदा। अरे अरे भाई बहुत ज्यादा डैमेज दे दिया इसने तो भाई मारेगा 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 बच गया यार। बेटा अब तेरी बारी है तू भी गया। गाइस ये बंदे लॉबी में बहुत ज्यादा चोट कर रहे थे अब इनको पेलना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। एंड कमेंट में कोई भी पान मत थूकना कि भाई तूने वन टैप नहीं मारा। देखो यार कभी कभार बॉडी लग जाता है तो थोड़ा एडजस्ट कर लिया करो यार। एंड गाइस अभी आ चुके हैं हम 6ठे राउंड पे और हम जीत चुके हैं यहाँ पे 6 राउंड लगातार और वो बंदे जीत चुके हैं 3। गाइस मेरे को लग रहा है कि मैच को आसानी से भुया ले जा सकता हूँ क्योंकि गाइस मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था कि भाई मेरे पास एंजेलिक पेंट है और मेरे को रो काली फीलिंग आ रही है। देखो गाइस ये लगा वन टैप और ये सीधा ग्लू। आई नो मुझे पता है कि भाई मूवमेंट रो काली नहीं है बल्कि उससे कहीं ज्यादा है तो फोन में आंखें गड़ा के बिल्कुल भी मत देखना क्योंकि आप लोगों को आ सकते हैं चक्कर क्योंकि गाइस यहाँ पे है रोक वाली मूवमेंट। अरे यार शिट मेरे को खेलना ही नहीं है यार। अरे बहुत मनुष्य लग रहे हो मत करो रहने दो रहने दो बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा 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 थारा मूड खराब कर लिया। गाइज वैसे आप लोगों का भाई प्रो है वैसे मैं अपनी तारीफ खुद तो नहीं करता लेकिन देखते हैं उनका रिएक्शन कैसा रहने वाला है इस गेम प्ले के बाद। तो चलो गाइज उन भाई सब की रिक्वेस्ट आ चुकी है तो चलो चलते हैं उनके ग्रुप में देखते हैं क्या रिएक्शन होगा। भाई मैं स्पेक्ट में बाद में आ गया था मैंने आपका गेम देखा आप तो इतना अच्छा खेले थे इनको मार जा रहे थे। थैंक्स ब्रो भाई आपने कर लिया। भाई मेरी भी कर ओपी यार थैंक यू भाई। गाइज अगर आप लोगों को और ऐसे वीडियोस देखने हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि इस चैनल पे मैं ऐसी और भी बढ़िया बढ़िया वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। और गाइज आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट रहेगी कि इस वीडियो पे 5000 कमेंट आप लोग कंप्लीट करवा देना। देखते हैं गाइज आप लोग करवा पाओगे कि नहीं। और आप लोगों का रोका FF आप लोगों को मिलेगा कल। तब तक के लिए बाय।